इसको ऊपर डाल लेते हैं, क्या कहते हैं हमने वो तोड़ने। आ जा भाई, यार मारा ऐसा कोई मुंह नहीं है, इसके अंदर सांप है। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेंट ऑफिशियल की तरफ से मैं आपका अपना मेज़बान एक बार फिर सैयद हसन रजा विद सैयद बिलाल हैदर। जो गांव के सारे सीन होते हैं वो आज आपको थोड़े से दिखाएंगे, ठीक है, कि इधर के क्या माहौल होते हैं। हसन भाई से पूछेंगे, ये हमारे साथ फरकान भाई हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि अपना इधर क्या क्या होता है, इधर की लाइफ कैसी है, क्योंकि मैं तो लाहौर से आया हूँ। तो ये भाई फैसलाबाद होते हैं, ठीक है, तो ये भाई अभी स्टडी कर रहे हैं, फरकान भाई ये गोजरा होते हैं। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना आपको, एक तो हमारे जो हमारा गांव है, ये गांव का क्या नेम है? ये जी साहब चक, साहब चक 337 जीम्बे, ये फैसलाबाद से पीछे पड़ता है, पैंसिल के बिल्कुल पास, ठीक है। तो इधर के आज है ना आपको ये साथ ही पीछे ये नज़ारा है, तो घर बन रहा है या क्या चीज़ है ये? इधर फार्म है सर, ये फार्म हाउस है या फार्म है? फार्म है। अच्छा फार्म है, तो इसके बैक साइड पे है कब्रिस्तान। तो यार मैं ना इधर जब आता होता था छोटे होते, तो माशाल्लाह बहुत दिखाते हैं जिनको बेरियाँ भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, इधर बेरियाँ होती थी, बेरियाँ भी और अमरूद। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि वो अमरूद से कुछ बता दें आप, क्या हमारी पुरानी याददाश्त क्या है, क्या अटैचमेंट है अमरूद के साथ? ये राज की बातें हैं, ये राज की बातें हैं। दरअसल व्यूअर्स, ये है हमारा दरबार, आप देख रहे हैं कैसा खूबसूरत दरबार है, माशाल्लाह। ये दिखाएं, माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत है। तो व्यूअर्स, ये कवर है टीसीएस सादत अली शाह साहब की, जो कि हमारे दादा अबू हैं, माशाल्लाह। तो आइए हम आपको सब्जी दिखाते हैं, पहले ये कवर याद दिखा देते थे। वो पालक लगी हुई है, और ये खटिया माल्टे, ये माल्टे, ये ऊपर ये पौधा है वैसे जामुन, अच्छा वैसे पौधा जामुन। तो ये थी हमारी सब्जियां, ठीक है। तो अभी जो पूरा व्यू आपको आप देख रहे हैं कि प्याज के हालात बहुत खराब हुए हैं, इसलिए प्याज भी लगा हुआ है, अपना ही तैयार किया है इधर, ये प्याज लगा हुआ है फिलहाल, वो मतलब कि फर्क हो गया, फर्क गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी तो मेरी चढ़ती जाती है, बाकी अब बाकी पास टाइम कम है यार, अभी अभी इनका मौसम नहीं, इतने दिन मौसम नहीं ना, ये फिलहाल सूखे पड़े हैं। ये देखें मुरझाए हैं और ये सारा सीजन में आएंगे। आइए ये देखें लाल भाई ट्यूबवेल लगा हुआ है। ओए हेलो पायलट आउट टू मैन, आ लगा हुआ ये ट्यूबवेल अपना, इतने छोटे होंगे पूरे पाना नहाने होंगे, ये तो हूँ बड़ा हो गया, पहले तो बड़ा छोटा होंगे और नलका उत्ते, अज सुबह की लैंड नहीं है, लैंड ने मतलब सा सारा ने बुरा हाल किया, जिन्हें भी साढ़े घर मेहमान आए हुए थे ना, उन्होंने सारे ने नलके तो मूँह हाथ होया, आ ट्यूबवेल सा दिखाओ ट्यूबवेल ट्यूबवेल ओए खूह आ खूह तक दे दी मैं यार भाई, ठीक है आ खूह वा आ ट्यूबवेल पानी खाली आ, दरअसल लैट तरह सुबह की गई हुई ना, हाँ जी, तो मैंने ना नहाने वास्ते भी ना बाहर पानी बंदे ना करो, ये मैं एक निकली रोड मिला यहाँ से 50 रुपए का, जरा पानी नलके का ना खाले में पानी है, इधर बिलाल ना आएगा ये जो पानी खड़ा है पानी नहीं आ रहा, पानी पानी यकीन करे बहुत ही क्या नजारे ने पिंड दे, मैं कहना आला पूरी सानी अमरूद अमरूद यार, वैसे मजे आ गए, हां मां बनियां हुई सारीयां, ठीक है ना, ये सर पर जानी बन, ये साडे सामने साडा घर है, ठीक है ना, दो कनाल दा घर है अपना, चार कमरे आ, एक विचो छोटे हुंदे जदों मैं आंदा हुंदा सी ना, ओ मेरा लैदा सी स्टोर, इन्होंने रखिया मंजी मंजी कोई नहीं सी स्टोर, मैं सच्चियां गल्लां कर रहा हां भाई, मैं झूठ नहीं बोलदा, मेरी आदत है मैं शुरू तों हमेशा झूठ नहीं बोलया, ये सारा मंदिर दिखाया इनको,
क्या यार हैवी स्पैक है, हाय 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 हाय। जिहड़ा ते मजा फसलां दे विच ते पिंड दे विच ना, ओ ना शहर च ते ना घर च, हकीकत आ। मैं मजाक नहीं कर रहा, कब्रिस्तान ते हर किसी ने जाना, ठीक है ना, तू पहले चल जाना। सब्सक्राइब कर दे साडा चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं कीता हले वीडियो एंड नहीं होया, क्योंकि बहुत कुछ दिखाना अज तुहानू, पूरा पूरे पिंड की सैर करवानी है, इची बिची तुहानू दिखानी है कि हों पिंड च, तुहानू इको वीडियो दे विच हर चीज तुहानू वो एक्सप्लेन कर देनी। गन्ने गन्ने लगे यार, नुक्कड़ पे खड़े कब्रिस्तान की, इस टाइम सारा कब्रिस्तान है, ठीक है ना। तो हम अंदर जाएंगे, आपको याद ताज़ा करवाएंगे कि एक ना एक दिन हमने भी जाना है, सब ने जाना है। तो हमारा जो मेन घर है ना, वो ये कब्रिस्तान ही है, और यही हकीकत है, आपको भी पता है। तो अंदर जाके सारा दिखाते हैं कि इधर अंदर क्या क्या लगा हुआ है, कितने मतलब कितना की बड़ा है। तो आइए नाज़रीन अंदर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इतनी रौनक लगाई हुई है इधर कि आपके सामने है, बिल्कुल आप देख भी रहे होंगे कि माशाल्लाह कितने दरख्त लगे हुए हैं। ये दरख्त ही सारी जन्नत है, ठीक है ना। ये देखिए कितनी छाँव है इधर, पता ही नहीं है धूप का, बल्कि धूप लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हैं। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना एक ये वाला बोर्ड, एक वो बोर्ड, ठीक है ना। बहुत मेरा ख्याल मुरझा आ गया या वैसे है, लेकिन ये माशाल्लाह ताज़ा है, इसको खुराक मिलती रहती है, पानी शानी डालते रहते हैं। तो बल्ब जलाते हैं नहीं, रात में चोर आते, नहीं चोर नहीं आते, वैसे हाँ? रात को कोई बंदा कब्रिस्तान आ जाता है, फिर अंधेरे की वजह से आता नहीं सही। मेरे कहना मतलब ये कि पेट्रोल तेन पता कितना महंगा हो गया। मैं ये कहना कि चलो ये फॉर एग्जाम्पल अगर 200 बल्ब बना, आप 100 दे के पेट्रोल पवा के कितने किलोमीटर चल जाएंगे, हौले हौले ना तुम नहर के कोल जाके धक्का दे सकते, नहर नेड़े ही है, अगर तो आप बेरियों के शौकीन है, बेर खाते हैं, तो यार आप इधर आके इतना बेर लगता है इधर यार, रंग बिरंगा लगता है, छोटा वड्डा मतलब के हर किसी ना बड़ा लगता है, जरा बड़े बड़े तुम पता ही है, काठे बेर उन्होंने कहते हैं, अच्छा ये जो है सामने नजर आ रही है आपको, ये इसमें गोल लगते हैं छोटे छोटे, ये इसमें भी बेर लगे भी हुए हैं, इसके लगे भी हुए, दिखाएं बेर दिखाएं, हाँ ये बेर दिखाएं लगे हुए हैं, ये लेकिन फिलहाल कच्चे हैं, अभी कच्चे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन बस और एक दो मतलब गुजारा या फिलहाल खाने के काबिल नहीं है, लेकिन जब इधर लगते हैं तो यार मैं ये देखने से कितने गिर पड़े बोर्ड लगा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है यार, देख रहे हैं जो भी है, इसके ऊपर आप कुछ लिख भी सकते हैं, छोटे छोटे हम होते हैं ना, जब छोटे होते तो ऊपर चढ़ के वो आपको भी पता होगा, वो किसी चीज़ से ना कुछ चीज़ लेके तो एवी कुछ है लिख देनी, ANAS एवी अपना नाम लिख देना, बिलाल बुखारी ऊपर चढ़ के, खुश्क हो गया ना सारा यार, जड़ें खुश्क हुई हैं, इसके ऊपर हम बैठते थे तो यार, इसके ऊपर वो रेड रेड से लगते थे, क्या कहते हैं हमने वो तोड़ने, जा भाई यार हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है सर, इसके अंदर सांप है, खुदकुशी ना कर, बचपन की यादें हमारी ताज़ा हो रही हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हम आते होते थे, अच्छा उन्हें ऊपर जाना इधर बैठना, अब तो ये बहुत बड़ी जगह होगी, छोटी होती थी यहाँ से, ओए
यार क्या है ऊपर तो मेरा दिल कर रहा यार ऊपर ही मंजी डालूं बिलाल भाई इसके ऊपर चढ़ो इसके ऊपर जिसके ऊपर है स्पोर्ट करके खड़ा है नहीं नहीं ये जिसके साथ खड़ा है वो ऊपर चला जा ऊपर मैं उठे जा मैं मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उठे जाना बड़ा ते तेरा चैनल मैं संभाला बहुत अच्छी सोच रखता यार तू क्या बात है इसके ऊपर शाम के वक्त परिंदे वगैरह भी आते हैं अच्छा बहुत रोनो को हां इसे बहुत आप इधर ही हुए शाम तक तो मैं आपको वापस वाह भाई खा रहे ओए मैंनु पता था मैं देखते गया वहां ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਛਲੀਆਂ ਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਛਲੀ ਛੁਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੱਤਾ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲੋਗ ਬਣਾਣੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਨੇ ਯਾਰ ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਖੈਰ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਕਰਾ ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਆ ਨਹਿਰ ਆ ਕੀ ਆ ਇਸਮੇ ਬੋਰ ਬੋਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੀ ਆਪ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਯਾ ਖੁਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਯਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਆ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸੂਆ ਸੂਆ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਆ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਸੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੂਆ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਆ ਸੂਆ ਖਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਖਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾਓ चलो चलो यार क्या करते हैं हम अपनी वीडियो का बिल्कुल एंड। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है और पिंड का माहौल अच्छा लगा है तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबा देना है, बेल आइकन ऑन कर देनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। और हसन भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, आप भी आप अल्लाह हाफिज कह दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।